भारत ने दिखाई मास्टरमाइंड एबिलिटी और दिखा दी रुपए की ताकत। अमेरिकन डॉलर को दिया बड़ा झटका। भारत ने अमेरिकन डॉलर की डोमिनेंस को कर दिया है तार तार अपने मास्टरमाइंड स्टेप से। डॉलर और यूरो को पड़ी है भारत के मास्टर स्ट्रोक की मार। भारत ने दिखा दिया है कि भारत किसी की मनमानी नहीं सहने वाला, किसी को अपनी दुश्मनी का शिकार नहीं बनाने वाला। भारत वो करेगा जिससे देश की भलाई होगी, चाहे उसके लिए भारत को कितना भी बड़ा रिस्क लेना पड़े। दोस्तों, भारत वो देश है जहाँ माँ अपने बच्चे को ये कहकर पालती है कि सर कटा लेना मगर सर झुकाना नहीं। तो ऐसा देश भारत एक करेंसी के सामने कैसे घुटने टेक सकता है? एक करेंसी की डोमिनेंस के कारण कैसे किसी के सामने अपना सर झुका सकता है? लगता है मानो दुनिया में युद्ध का नया आगाज हो चुका है, मगर इस युद्ध में ना घर बर्बाद होंगे, ना कहीं तबाही होगी, ना किसी की जान जाएगी, क्योंकि युद्ध इंसानों के बीच नहीं बल्कि करेंसी के बीच होने वाला है। आपकी क्यूरियोसिटी को ना बढ़ाते हुए चलिए आपको बता दें कि आखिर ऐसा कौन सा वॉर किया है भारत ने कि डॉलर की नींव हिल गई है। दोस्तों, बात की शुरुआत यहाँ से होती है कि पूरी दुनिया में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका 85% सिर्फ और सिर्फ डॉलर के जरिए होता है। तो हर देश के पास फॉरेन रिजर्व में यूएस डॉलर होना बहुत जरूरी है। ये बात यूएस को अच्छे से पता है, इसलिए यूएस कई बार किसी देश के साथ अपने मतभेदों के चलते जिससे दूसरे देश का नुकसान हो, यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि ऐसा तो सभी देश करते हैं। असली परेशानी तब होती है जब सभी देशों को भी यूएस की ऐसी पॉलिसी में उसका साथ देना पड़ता है, चाहे इसमें दूसरे देश का नुकसान भी क्यों ना हो जाए। क्योंकि अगर किसी ने यूएस का साथ नहीं दिया, उसकी पॉलिसीज का विरोध किया, तो यूएस उसे आसानी से डॉलर इशू नहीं करता, और जिस देश के पास डॉलर नहीं है वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाता। ऐसा एक लंबे समय से चलता आ रहा है और ज्यादातर देश यूएस की ऐसी मनमानी से तंग आ गए हैं, मगर मजबूरी है क्योंकि सिक्का तो डॉलर का ही चलता है। हर देश यूएस डॉलर पर इतना डिपेंडेंट हो चुका है, ना चाहते हुए भी अमेरिका के आगे सर झुकाना पड़ता है। कोई भी देश तभी अपनी करेंसी इस्तेमाल करने देगा जब उसके लिए कोई फेवर किया जाए। अब अमेरिका तो खुद इतना आत्मनिर्भर है कि उसे किसी देश से बहुत ज्यादा फेवर की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए भारत को डॉलर की जरूरत है, तो अमेरिका भारत को तभी डॉलर इशू करेगा जब भारत उसकी रेगुलेटरी पॉलिसी को फॉलो करेगा, यूएस के बनाए नियम को मानेगा। अब रशिया यूक्रेन के बीच जो चल रहा है उसके बाद यूएस ने बहुत से ऐसे नियम बना दिए हैं जिसकी वजह से कुछ छोटे देशों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अब रशिया के साथ ट्रेडिंग करना मुश्किल हो चुका है, वहाँ से आयल इम्पोर्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। एग्जाम्पल के लिए रशिया के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस की बात करें, G7 ने रशिया के ऊपर एक प्राइस कैप लगा दी है कि उसे $60 पर बैरल के रेट पर ही ऑयल खरीदना है, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करना है। इधर रूस ने कहा है कि हम मार्केट प्राइस से कम पर ऑयल नहीं बेचेंगे। अब यूएस की बात नहीं मानी तो वो डॉलर इशू नहीं करेगा, और रशिया की बात नहीं मानी तो वो ऑयल ही नहीं मिलेगा। अब करे तो क्या करें? यूएस की बात नहीं मानी तो यूएस कई और भी मुश्किलें खड़ी कर देगा, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, बहुत से क्रेडिट कैंसिल कर देगा। मतलब डॉलर की डोमिनेंस की वजह से सभी देशों को यूएस के बताए रास्ते पर ही चलना जरूरी है, मगर भारत ने इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। भारत के सेंट्रल बैंक RBI ने सभी देशों को इंडियन रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट अलाउ कर दी है, यानी अगर कोई देश चाहे तो इंडिया के साथ रुपी में ट्रेड कर सकता है। भारत अपनी पेमेंट रुपी में करना चाहता है, ये भारत ने अनाउंस कर दिया है। भारत ने ये कदम जुलाई के महीने में ही उठा लिया था, और आज ये खबर इसलिए खास है क्योंकि एक हफ्ते बाद भारत और रूस के बीच ट्रेड सेटलमेंट होने वाली है। इस बार डॉलर और यूरो में नहीं बल्कि रुपए में होगी। इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेडिंग करने के लिए भारत के कुछ बड़े बैंकों में स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट ओपन किया है। इन्हीं अकाउंट के जरिए पेमेंट साइकिल पूरी की जाएगी। दोस्तों, ये एक शुरुआत है। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ गिनी चुनी करेंसी जैसे डॉलर यूरो आदि पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने की शुरुआत मात भर है। दोस्तों, भारत ने सिर्फ रूस से कॉन्टेक्ट नहीं किया रूपी में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए, बल्कि कुछ और छोटी कंट्रीज के साथ भी कॉन्टेक्ट किया है। इसमें ज्यादातर वो कंट्रीज शामिल है जो अमेरिका द्वारा इम्पोज किए गए सैंक्शंस की वजह से रूस, ईरान, वेनेजुएला के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। मॉरिशस, श्रीलंका, मलावी, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह
अभी तक ट्रेड सेटलमेंट सिर्फ रशिया के साथ हो पाई है। ऐसा नहीं है कि रशिया बिना अपने फायदे के ही इस सेटलमेंट के लिए राजी हो गया है। रशिया को भी इंडिया के साथ ये डील करने में फायदा है, क्योंकि रशिया को पता है कि अब और भी कंट्रीज भारत के साथ ये सेटलमेंट करेगी, तब रूपी के रिजर्व्स काम आएंगे। और साथ ही रशिया के ऊपर लगे सैंक्शंस के कारण अभी कई देशों के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा है, और यूएस ने रशिया को डॉलर इशू करने के लिए भी ढेरों सैंक्शन और बैन लगा दी है, तो रशिया भी अब डॉलर से छुटकारा पाना चाहता है। फिलहाल भारत और चीन है जो रशिया से पहले की तरह या उससे भी ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। अगर रशिया भारत से ट्रेड नहीं करेगा तो यूक्रेन के साथ युद्ध भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसकी इकोनॉमी भी हिल जाएगी। ऐसे कुछ रीजन की वजह से रशिया भारत के साथ ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, रशिया और इंडिया की इस बढ़ती दोस्ती से भारत को एक और फायदा मिला। दरअसल जब भी भारत को किसी देश से कोई सामान मंगवाना होता है, जैसे ऑयल मंगवाना है, तो भारत के पास उसके लिए टैंकर से माल ढोने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। उसके लिए भी वेस्टर्न कंट्रीज की मदद लेनी पड़ती है, मगर अब रूस ने अपने खुद के कंटेनर्स बनवा लिए हैं और भारत को ऑफर की है कि वो रूस से ये सब माल ढोने के लिए उधार ले सकता है। इसकी वजह से भारत को वेस्टर्न कंट्रीज के नियमों के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं। अब आपके मन में सवाल होगा कि इंडियन रूपी तो कोई इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, तो रूस को भी अपने पास रूपी रखने का क्या फायदा होगा? दोस्तों, इसके लिए आपको वेस्ट्रो अकाउंट को ठीक से समझना होगा। जो भी कंट्रीज भारत की करेंसी में लेन देन करना चाहता है, वो भारत के HDFC बैंक, कैनरा बैंक, SBI में वो वेस्ट्रो अकाउंट ओपन करेगा, जैसे रशिया के सेबर बैंक, सुबेर बैंक, VKB ने ओपन किया है। अभी इन्हीं वेस्ट्रो अकाउंट के जरिए भारत और रशिया के बैंक आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे। भारत ने कहा है कि वो वेस्ट्रो अकाउंट के रुपए सरप्लस बैलेंस को वो देश भारत के किसी प्रोडक्ट के इन्वेस्टमेंट की पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। और भारत को इससे फायदा ये होगा कि अगले 10 से 15 सालों में भारतीय रुपए की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगेगी। जितने देश वेस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे, उतने ही दूसरे देशों में रुपए की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, उतना ही रुपया इंटरनेशनलाइज होगा। रुपया हर उस देश में अवेलेबल हो जाएगा जिस देश का भारत में वेस्ट्रो अकाउंट होगा। मॉरिशियस और श्रीलंका ने भी भारत के बैंकों में वेस्ट्रो अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में भारत को वो फायदा होगा जो ना भारत ने और किसी देश ने पहले कभी सोचा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बड़ी बड़ी कंट्रीज भी भारत में वेस्ट्रो अकाउंट खोलेगी? करेंसी के इस युद्ध में किसकी जीत होगी और किसकी हार? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।